हेलो एवरीबडी एंड वेलकम टू क्लास ऑफ क्लास ऑफ टारगेट नीड दैट द स्टूडेंट्स आर एब्सोल्युटली ऑन टाइम वेरी गुड हेलो हर्षिता हेलो राहुल हेलो 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 ब्रो जिसका नाम नहीं लिया बुरा नहीं मानना साइंस गुरु जी चैनल में तनिषा मैम के साथ एक पॉजिटिव कोट के साथ हम शुरू करेंगे ऑलवेज विद अ पॉजिटिव कोट ओके इन लाइफ नो बड़ी एंड नथिंग विल हेल्प यू वॉन्ट यू स्टार्ट हेल्पिंग योर सेल्फ ऑफकोर्स आप खुद नहीं पढ़ेंगे अगर पेरेंट्स बोलेंगे पढ़ो 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 आप पढ़ना ही नहीं चाहते लेकिन सबसे बेस्ट थिंग अगर आप रिविजन करना चाहते हैं उससे अच्छा आप कैसे ज्वाइन करना चाहते हैं तो साइंस गुरु जी इज द बेस्ट चैनल टू जॉइन राइट हेलो एवरीबडी एंड वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीबडी चलिए लेट्स स्टार्ट विद आर क्लास टूडे विदाउट बेस्थिंग एनी फर्दर टाइम एंड हाँ जिन बच्चों ने जिन मेरे फ्यूचर डॉक्टर्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया प्लीज डू इट राइट ओमकार चलिए मेरे सारे डॉक्टर्स बार बार आपको ये फोटो क्यों दिखाई जाती है इसलिए दिखाया जाता है ताकि आपको याद रहे यू आर माय डॉक्टर्स माय फ्यूचर डॉक्टर्स राइट चलिए फर्स्ट क्वेश्चन क्विकली कमिंग अप स्टॉप डूइंग थिंग्स दैट यू आर डूइंग ऑन लाइन राइट नाउ फटाफट से क्वेश्चन के लिए आ जाइए बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना है C4 plants, cell, of, remember, इन प्लांट्स सेल्स आर कनेक्टेड अ बंडल सेल क्लास कंपाइल करके पढ़ेंगे उसमें भी आएगा लेकिन मैंने पहले ही दे दिया है राइट right, अंशिका चले अंशिका जल्दी से बताइए सी फॉर प्लांट्स में मीजोफिल सेल्स देखिए हिंट दे सकती हूं मैं हिंट दे सकती हूँ क्रैंस एनाटमी है राइट वेरी गुड हर्ष जी जी ब्रो आयुष सायरा हर्ष चार जनों का एक साथ आंसर आया मैंने हिंट दिया है क्रैंस एनाटमी याद है ही नहीं है क्रैंस एनाटमी कुछ ऐसे पढ़ते थे हम याद है नहीं है ऐसे कुछ सेल्स याद है ना राइट सहाना अंशिका इशान वेरी नाइस नेम करेक्ट दी करेक्ट आंसर इज बिल्कुल करेक्ट अच्छा लगता है चार एक साथ answer किया और मैं पहले बता इज हियर विद मी आई डोंट नो एनी ऑफ यू मैं आपको इसलिए जानती हूं क्योंकि आप करेक्ट आंसर देते हैं अग्रीड चलिए कोई बात नहीं जी जी ब्रो आप टाइम से आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्विकली कमिंग अप ओके श्वेता रोहिणी एक्सिलेंट जल्दी जल्दी लिखा करो आप दी एनर्जी वेस्टेज अकर्स ड्यूरिंग अगेन फोटोसेंथिस हाइयर प्लांट से है क्वेश्चन एनर्जी वेस्टेज किसी काम का ही नहीं है लेकिन फिर भी होता है ये प्रोसेस बताइए रोहिणी कौन सा प्रोसेस है ये अंशिका सहाना सारे आयुष वेस्टफुल प्रोसेस है वेस्टफुल प्रोसेस आयुष किसी काम का नहीं है वेरी गुड एक्सिलेंट ओमकार ओमकार इज देयर आयुष एंड जी जी प्रो वेरी गुड आंशिका की पी राम आंशिका अंशिका ने भी दिया खांसा इज ऑल्सो देर वेस्टफुल है किसी काम का नहीं है लेकिन फिर भी होता है प्रोडक्ट जो बनना चाहिए वो प्रोडक्ट नहीं बनता है सिंपल सा आंसर है

एक्सिल तनिशा ओके तनिशा माई नेम इज तिशा एंड आई एम टॉकिंग टू समी विथ लाइक ऑफ सिमिलैरिटी राइट ठीक है अंशिका नेक्स्ट क्वेश्चन को क्लिकली कमिंग आप हाइड्रोपोनिक्स हाइड्रोपोनिक्स ध्यान से आंसर देना हाइड्रोपोनिक्स वेरी गुड विनर्स ये ऑल्सो गिव आदित्य ने भी करेक्ट आंसर दिया अब मुझे चाहिए हाइड्रोपोनिक्स क्या होते हैं हेलो आर यू जल्दी से हाइड्रोपोनिक होता क्या है वेरी गुड सैम्यूल सैम्यूल हर्ष सहाना एंड सायरा वेरी गुड एक्वस एक्वेटिक रिलेटेड एक्वस I have, मैंने ओमकार कौन से इंस्टा में आप कर रहे हो मैंने पूरा देखा जनरल में भी देखा रिक्वेस्ट में भी देखा मुझे ओमकार आपका आईडी नहीं मिला एक बार फिर से चेक करना वेरी गुड द करेक्ट आंसर इज ग्रोइंग ऑफ प्लांट्स इन एक्वस बैलेंस न्यूट्रिएंट पानी में ग्रो करना नहीं होता सिर्फ एक्वस बैलेंस न्यूट्रिएंट चाहिए होता है एक्सीलेंट वेरी गुड एक्सिलेक्ट आंसर अलॉन्ग विदर्श एंड सायरा एंड सहाना सहाना हर्ष इस टेम्पो को नहीं बिगाड़ना इसकी कंसिस्टेंसी अच्छे से रखना थोड़ा सा लेट हो जाता है हर्षिदा जल्दी करना ठीक है वेरी गुड सैम्यूल सैम्यूल का नाम याद आ रहा है अब मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन मैच द्लीज ध्यान से करिएगा ओके डू इट वेरी केयरफुली आई नो जी जी ब्रो आप आंसर देते हो यस चेतन चलिए मैच दी फॉलोविंग ओके अंशिका चेतन यही लिखते रहो फर्स्ट फर्स्ट आप जल्दी आंसर कर रहे हो सहाना एक्सिलेंट खांसा सहाना राहुल इज देर आयुष सिकंदर सायरा सैम्यूल वेरी गुड सैम्यूल राहुल पटेल सैम्यूल सायरा एक्सलेंट एक्सलेंट सैम्यूल सैम्यूल कंसिस्टेंटली तीसरी बार मैं नाम ले रही हूं सैम्यूल के साथ सायरा इज देर शिवानी वेरी गुड आर्यन वेरी गुड लेट सी दी करेक्ट आंसर ग्राना ऑफ क्लोरोप्लास्ट है ग्राना है तो ऑफकोर्स लाइट रिएक्शन है राइट right? स्ट्रोमा है तो डार्क रिएक्शन है माइटोकॉन्ड्रिया है तो मैट्रिक्स है सो करेक्ट करेक्ट आंसर आंसर दिस, राइट? आई नो श्वेता, आपने भी दिया, थोड़ा सा लेट हो जाता है हाँ हाँ हाँ, ठीक है फर्स्ट आंसर तुम्हारा ही है ओके आयमान, ओके अंशिका, वेरी गुड आई एम वेरी वेरी हैप्पी की अब देखो पहला जो टेस्ट सीरीज था ना पहले टेस्ट सीरीज और अभी के कंपैरिजन में पहले बच्चे मैक्सिमम क्वेश्चन गलत करते थे बट विद फ्रॉम ऑल अब क्या है बहुत कम बच्चे ऐसे हैं जो गलत आंसर दे रहे मैक्सिम सेवेंटी the nice. <laughs> ठीक है लेट्स क्वेश्चन क्विकली सिकंदर को क्वेश्चन दिख गया हमने तो क्वेश्चन दिखाया नहीं सिकंदर अभी हेलो प्रिया ठीक है चलिए लेट्स स्टार्ट जरूर क्वेश्चन फाइव प्लीज ध्यान से करिए इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ करेक्ट ऑप्शंस बताने हैं करेक्ट ऑप्शंस डायग्राम हाफ है ध्यान से देखिएगा गलती मत करना ठीक है बिल्कुल ध्यान से पढ़ेंगे एंड याद रहना चाहिए कि आज भी क्लास के एंड में यू विल गेट वंडरफुल बुक्स यू विल गेट वंडरफुल बुक्स नीट की प्रिपरेशन करनी है और एमसीक्यू की बुक चाहिए ऑफ कोर्स कहां मिलेगा यहीं पर मिलेगा साइंस गुरु जी चैनल में कैसे मिलेगा आंसर्स देकर मिलेगा बिना आंसर के नहीं मिलेगा ओके वेरी गुड सहाना सहाना की तरफ से आंसर आया है श्रुति वेरी गुड श्रुति थोड़ा सा रिलेट हो गए राहुल चेतन जीजी ब्रो सायरा, आयुष थोड़े से लेट हो गए श्रुति राहुल नाहा, वेरी गुड यस एब्सोल्युटली खुद देखिए नाइट्रेट रिडक्टेस का क्या काम है यहां पर और ये रिडक्टिव प्रोसेस होता है रिडक्टिव और वन मॉलिक्यूल कैन नॉट गिव यू वन मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया वन मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन कैन नॉट गिव यू वन मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया मैं मिटा देती हूँ क्योंकि ये आपका क्वेश्चन बैंक है वाई आई एम रबिंग इट हियर बिकॉज जब आप डाउनलोड करके दोबारा अटेम्प्ट करते हो ना तब आपको आंसर नहीं दिखना चाहिए क्वेश्चन में येस एब्सोल्यूटली करेक्ट एब्सोल्यूटली करेक्ट मैंने बोल दिया है ये रिडक्टिव प्रोसेस है प्लीज नहीं भूलना एंड हाउ इज इट पॉसिबल नॉट पॉसिबल राइट राइट हर्ष हेलो कृष्णा राइट हाय सबने पहले आंसर दिया मैं तो बोल तो रही हूं सबने करेक्ट आंसर दिया कोई गलत थोड़ी ना दे रहा है राइट ओके श्वेता यस अब मैं ध्यान रखूंगी ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सिक्स विच ऑफ दी फॉलोइंग स्टेटमेंट और दी स्टिक ज नॉट एप्लीकेबल फॉर इंटरफेरस प्लीज ध्यान से बोलना इंटरफियरस का कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए ओके खान साहब विनायश याद रहेगा अंशिका हैदर दिग्विजय याद रहेगा नहीं रहेगा ओके आंसर इज कमिंग आयुष सायरा हेलो सुहाग सहाना ध्यान से देना आंसर हर्श ओ टी वेरी गुड हर्ष एंड अफाक हर हाँ छोटी अफाक एंड कृष्णा कृष्णा अब आया है अरे जल्दी आया करो टाइम से आया करो वेरी गुड संध्या वंश इंटरफेरॉन्स का काम ये होता है कि अग्रीन वो ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं दे आर प्रोड्यूस बाय नॉट नॉन इन्फेक्टेड इन्फेक्टेड सेल्स इन्फेक्टेड सेल्स याद रहेगा ओमकार याद रहेगा इंटरफेरॉन्स तभी रिलीज हो रहे हैं जब इन्फेक्टेड सेल्स आ रहे हैं नॉन इन्फेक्टेड नहीं इंटरफेरॉन्स के लिए सबसे बेस्ट एग्जांपल है द टाइप 1 इंटरफेरॉन दैट इज आईएफएन अल्फा एंड आईएफएन आईएफएन मतलब इंटरफेरॉन्स अल्फा एंड बीटा दे आर सेक्रेटेड बाय वायरस इन्फेक्टेड सेल्स अब पता चला नॉन इन्फेक्टेड नहीं है याद रहेगा एक्सप्लेनेशन के साथ है क्वेश्चन भी है इसमें हर्षिता अभी तो आंसर नहीं दिखा बट अभी लिखा ना कि मेरा आंसर दिख रहा है वो स्टेटमेंट दिखा लेकिन ऊपर आंसर नहीं दिखा मुझे अग्रीड शो नहीं हो रहा है हेलो सैमी ठीक है संध्या अबाउट दीज क्लासेस आई जनरली टेल यू एट द एंड ऑफ क्लास जैसे आज है मंडे सो डेफिनेटली वेन् को टू ओ क्लॉक होगा और थ्री ओ क्लॉक वन शॉर्ट प्रोग्राम होता है राइट right, कैप्रोडियम चलिए लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट क्वेश्चन क्विकली अब मुझे नया पर्सन चाहिए आंसर के लिए बिल्कुल नया पर्सन नो वरीज हर्षिता आई एम डेफिनेटली लुकिंग इनटू द ब्लॉक जो सबसे पहले दिखेगा मैं उसी का नाम लूंगी ओके सहना हर्षिता करुणा वेद लेट्स स्टार्ट विद दिस सेवंथ क्वेश्चन क्विकली कमिंग अप व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ डिजीजेस इज नॉट वायरल वायरस वाला नहीं है चलिए सैमी ओके संध्या चलिए संध्या कौन सा वायरस इन्फेक्टेड नहीं है चेतन चेतन ने सबसे पहले आंसर दिया मैम ने बोला आंसर नहीं दिया मैं सबसे पहले आंसर दूंगा ध्यान से देना बिल्कुल ध्यान से हर्षिता वेरी गुड सी नाउ आई सी यू हर्षिता वेरी गुड हर्षिता हर्षिता के साथ साथ बाकी ने भी दिया अंशिका इज ऑल्सो दे वेरी गुड आयुष सायरा तो कॉन्स्टेंटली दे रहे हैं देर इज नो डाउट एंड इवन जीजी अग्रीन टाइफाइड क्या ये ये तो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स है कोई बैक्टीरियल है कोई बैक्टीरियल है कोई ऑर्गेनिज्म बेस्ड है वॉर्म बेस्ड है बैक्टीरियल बेस्ड है बैक्टीरियल बेस्ड है तो सबसे बेस्ट आंसर क्या है मेरा अरे आई डोंट वॉन्ट टू डिस्ट्रॉय दिस क्वेश्चन पेपर वेरी गुड अरे इसको तो गलत नहीं करना ये तो इतना ईजी है, है डेंगी, and your Very good. जीजी ब्रो के अलावा जिन्होंने दिया That is Very good. Very good थोड़ा सा लेट हो गए यस yes, श्वेता आप भी दे रहे हो मैंने मना नहीं किया अब बाबू अब क्या होता है जैसे आता जाता है ना वैसे वैसे न, मैं नाम लेती रहती हूँ okay? अग्री फटाफट से फटाफट से मेरे सारे स्टूडेंट लेट हो गए क्लास में ड्यूरिंग सर्टन इंफेक्शन बिकॉज मास सेल्स जनरली क्या रिलीज करता है सेरोटोनिन का इफेक्ट काउंटर बैलेंस करने के लिए कौन होता है जल्दी से बताइए अब मैं उसी का आंसर एंटरटेन करूंगी जो क्वेश्चन नंबर के साथ आंसर देगा क्वेश्चन नंबर के वेरी गुड खान सा आई यू एक्सीलेंट बट आंसर कौन सा है चेतन जी जी ब्रो वेरी गुड चेतन श्वेता जी जी ब्रो एक्सीलेंट याद है आपको चेतन श्वेता जी जी ब्रो याद रखेंगे. जब कोई होता है, तो मास सेल्स उस इंफेक्शन के टूअर्ड्स या एलर्जी के टूवर्ड हिस्टेम सेरोटोनिन रिलीज करता है राइट right? लेकिन उसके इफेक्ट को थोड़ा माइल्ड करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है कॉटिसोल कॉटिसोल कौन प्रोड्यूस करता है कॉटिसोल एक्चुअली एंटी इनफ्लामेटरी हॉर्मोन एक क्वेश्चन आया है यहाँ से एंटी इंफ्लामेटरी हॉर्मोन एड्रीनल ग्लैंड से करता है दैट मींस जितना ज्यादा हिस्टमैन रिलीज होगा उतना ज्यादा एड्रीनल ग्लैंड को कॉर्टिसोल रिलीज करना पड़ता है उसको काउंटर बैलेंस करने के लिए याद रहेगा याद रहेगा नहीं रहेगा राइट अग्रीड ठीक है पूजा यहाँ पर जो क्वेश्चन uh, आंसर्स हो रहे हैं ना दीज क्वेश्चन और ऑन द बेसिस ऑफ जो नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसमें इलेवेंथ चैप्टर भी आ रहे हैं और ट्वेल्थ चैप्टर भी आ रहे हैं ओके okay? यस yes, मैंने नाम लिया था याद रखना ओके okay? याद हो जाएगा संध्या अब कंफ्यूजन नहीं होना देखो क्वेश्चन ना रखे एक ही में दो क्वेश्चन है राइट right? राइट right, जिबरान कोई बात नहीं जिब्रान पहले तो सही आंसर दिया था ना लेट्स नंबर नाइन अरे ये तो सबको पता है मैंने पहले भी पूछा था हिंट मलेरियल पैरासाइट लाइफ साइकिल प्लाज्मोडियम काटता है कहीं तो जाता है कुछ करता है कहाँ पर स्पोरोसाइट्स स्टोर होते हैं ध्यान से आंसर देना

जब मस्किटो मस्किटो बाइट्स अनादर ह्यूमन स्पोरोज़ोइट्स आर इंजेक्टेड इनटू द विद द बाइट लेकिन वो स्पोरोज़ोइट्स होता कहाँ है वो स्पोरोज़ोइट्स दे आर इन दी सलाइवरी ग्लैंड्स याद रहेगा याद रहेगा नहीं रहेगा कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के साथ है यस yes, सैमुअल, थोड़ा सा लेट हो गए अग्रि रानशिका याद रहेगा क्वेश्चन भी याद करना है आंसर भी प्लस एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ लिया करो जी जी ब्रो कितना मूवी देखते हो हैं डॉक्टर बनोगे तो हमको ही तो ट्रीट करोगे देवर डॉगिंग अब मस्कीटोज याद रहेगा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन टेंथ क्वेश्चन क्विकली एनसीईआरटी की लाइन है पूरी की पूरी क्वेश्चन एन टी का लाइन है पूरा का पूरा क्वेश्चन ध्यान से देखो ब्रेन साइज 1400 सीसी है ओके okay खान साहब ब्रेन साइज 1400 सीसी है पॉसिबली पॉसिबली क्वेश्चन मार्क बर इट डे डेड विथ फ्लॉर्स एंड टूल्स सो ये कौन है पॉसिबली हंड्रेड परसेंट नहीं है एक्सीलेंट एक साथ आंसर्स आए हर छोटी आयुष सायरा राहुल जी जी ब्रो वेरी गुड हर का मैं नाम ज्यादा ले रही हूं ना देर इज नो डाउट इवन जी जी ब्रो इज ऑल्सो करेक्ट वेरी गुड अफाक ठीक है अंशिका श्वेता एक्सीलेंट राहुल पटेल एक्सीलेंट हर्षिता एक्सीलेंट ऑफकोर्स वी आर टॉकिंग अबाउट होमोसेपिय नीदरलैंड याद रहेगा जिनको हम नियन्दर हाँ हाँ पक्का एक्चुअली जिनको हम नियर थलेंस भी बोलते हैं याद रहेगा सबसे बेस्ट चीज रिविजन एवोल्यूशन कैसे बोल सकते हैं क्वेश्चन 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 इसमें से दो क्वेश्चन आ रखे नहीं भूलना ये क्वेश्चन इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में रखा हुआ है ओके okay, सिब्रान फर्स्ट क्रीचर विच वॉज कॉल्ड लाइक अ ह्यूमन लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम होम भी बोलते हैं वो कौन था होमो होमो राइट? ब्रेन टू एट हंड्रेड ए सीसी याद रहेगा याद रहेगा दे प्रोबेबली डिड नॉट ईट मीट मैंने स्पेशली लिखा है फाइनली धीरे धीरे कर उनको एक 1.5 माया दैट इज मिलियनेयर्स एगो के बाद उनको क्या डिस्कवर हुआ होमो इरेक्टस होमो इरेक्टस का ब्रेन साइज बढ़ गया 900 सीसी होमो इरेक्टस को बोला गया था कि यस मोस्ट प्रोबेबली वो मीट खाते थे फाइनली देयर वाज नियंडरथल मैन जिसका ब्रेन साइज याद रखना है 1400 सीसी क्वेश्चन आया है व्हिच ऑफ दी फॉलोइंग प्रोबेबली एट मीट प्रोबेबली डिड नॉट ईट मी वॉज फाउंड इन वन पॉइंट फाइव माया याद रहेंगे क्वेश्चन यस प्रिंस याद रहेगा राइट सबसे ईजी सबसे ईजी वे में लिखा है शिवानी जब आप आंसर करते हो नाउ आपके आंसर से पहले ही पांच आंसर करेक्ट ऊपर आ रखे होते हैं तो मैं पहले थ्री करेक्ट आंसर्स को यस yes बोलूं कि आपका जो फिफ्थ और सिक्स लाइन में वो आंसर यहां पर ये कंपटीशन नहीं चल रहा कि कौन करेक्ट आंसर दे रहा है यहां पर ये है कि कौन पहले दे रहा है राइट एंड इट डिपेंड्स ऑन योर इंटरनेट कनेक्शन ऑल्सो सो डोंट ब्लेम एनी बडी हियर आपका अपना इंटरनेट कनेक्शन थोड़ा सा स्लो होगा आंसर्स लेट अपलोड होंगे राइट्र right, टेक्निक ऑफ आर एन एव योर बेस्ट दैट्स इट गिव योर बेस्ट डोंट वरी अबाउट पहले तीन पहले पांच पहले दस कौन सा आप अपनी तरफ से बेस्ट दो यू शुड बी ट्रू फॉर योर सेल्फ राइट ओके टेक्निक फॉर आर एन ए आई कहाँ यूज करते हैं चलिए वेरी गुड सायरा अफाक सहाना चेतन लेट्स सी करेक्ट आंसर वेरी गुड श्वेता हेलो पुष्पा रुचि अंशिका लेट्स सी करेक्ट आंसर पहली बात आर एन ए आई को जब यूज किया जाता है तो क्या बैक्टीरियल इंफेक्शन के लिए यूज किया जाता है नो आर एन अ वेरी ह्यूज इट्स अ वेरी ह्यूज एंड वेरी कॉम्प्लिकेटेड डिफेंस मैकेनिज्म याद है ना आपको क्रॉप को जेनेटिकली मॉडिफाई कर सकते हो आप या फिर नीमा टोट के अगेंस्ट कर सकते हो क्रॉप को जेनेटिकली मॉडिफाई करने के लिए यूज कर सकते हो या फिर नीमा टोट के लिए यूज कर सकते हो राइट करेक्ट एक्सलेंट ऐसे ही आंसर देना कोई बात नहीं अब की बार थोड़े से ज्यादा बच्चों के आंसर गलत हो गए वेरी गुड जी जी ब्रो गलत सैम्यूल वेरी गुड सैम्यूल सैम्यूल करेक्ट आंसर वेरी गुड बहुत बच्चों ने थोड़ी सी गलती कर दी सिंथेसिस ऑफ वैक्सीन के लिए आरएनएआई नहीं यूज होता दैट्स अ बायोटेक्नोलॉजी डिफरेंट थिंग देन व्हेन वी टॉक अबाउट बैक्टीरियल इंफेक्शन से रिलेटेड नहीं आरएनएआई हैज अ डिफरेंट डिफेंस मैकेनिज्म याद रहेगा संध्या अब आंसर आ रहा है सैम्यूल के बाद संध्या अंशिका हर्षिता नाम याद आ रहे हैं राइट, लेट्स लुक इनटू इन नेक्स्ट क्वेश्चन, मेनी बैक्टीरिया आर रेजिस्टेंट टू पेनिसिलिन बिकॉज़ क्यों रेजिस्टेंट है कीप इट अप, ऑल की बेस्ट गिव योर बेस्ट कोई बात नहीं खानसा इट्स ओके okay. अच्छा क्या मम्मी ने रिपोर्ट क्या रिमोट छुपा दिया बहुत बढ़िया मैनी बैक्टीरिया रेजिस्टेंट टू पेनीसिलिन क्यू क्वेश्चन नंबर के साथ आंसर क्वेश्चन नंबर के साथ आंसर एक्सीट श्वेता आयुष चेतन श्वेता राहुल अफाक वेरी गुड हर छोटी और सायरा थोड़ा लेट हो गए ऑफ कोर्स बैक्टीरिया इंफेक्शन आर रेजिस्टेंट टू पेनिसिलिन क्यों क्योंकि बार बार दे हैव एक्सपोज्ड टू द पेनिसिलिन सो फाइनली किसी एक बैक्टीरिया ने सरवाइव कर दिया तो तो उसने उस पेनिसिलिन के अगेंस्ट रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस अपना जनरेट कर दिया जिसकी वजह से इट स्टार्टेड मेकिंग इट्स ओन पॉपुलेशन राइट राइट अंशिका थर्टींथ क्वेश्चन क्विकली कमिंग अप हेपेटाइटिस बी और जेनाइटल हर्पीज के बारे में कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है क्वेश्चन नंबर एंड देन आंसर अदरवाइज मैं वो क्वेश्चन देखूंगी ही नहीं मतलब oh, आंसर देखूंगी ही नहीं क्वेश्चन नंबर एंड आंसर तेंजिन वे जीजी ब्रो अंशिका खानसा सहाना शिव शिवानी सैमुअल जल्दी से ध्यान से आंसर देना गलती नहीं करना ओहो इतना जल्दी जल्दी जा रहा है रुको रुको देखो ध्यान से ओके हर शोटी इज देर जी जी तुम तो मूवी देखने जा रहे थे अभी भी आंसर कर रहे हो हर शोटी वेरी गुड हर्षिता ध्यान से आंसर देना ध्यान से आंसर देना हर्षिता शिवानी ध्यान से आंसर देना हेपेटाइटिस बी जेनाइटल हर्पीज ध्यान से आंसर देना वेरी गुड जी जी इट अप। क्या ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है क्या ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है कारुना शिवानी श्वेता क्या ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है

क्वेश्चन आया, याद रहेगा आप दीपक सहाना अंशिका साइकिरन हर्षिता यस कोर्स, कैन नॉट बी कॉल्ड वेनरल डिजीज बट कैन बी क्लासिफाइड, हाउ कैन यू सी बी इज़ अ काइंड ऑफ अ वेनिरल डिजीज आपको पता है ना ब्लड ट्रांसफ्यूशन से भी हो सकता है पता है आपको राइट कोई बात नहीं लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन क्विकली इसलिए मैंने बोला स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन नंबर फोर्टीन कमिंग ऑन टू योर स्क्रीन हाँ इसका आंसर प्लीज ध्यान से रख देना यस आंशिका आई सेड इट ओके द टेक्निक टेक्निकल गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर गिफ्ट याद रहेगा गिफ्ट G -I -F -T, जल्दी हेलो सारा शिवानी गुड अब फोर्टीन का आंसर जल्दी से आंशिका जी जी ब्रो करुना आयुष सायरा जल्दी आंसर वेरी गुड हर्षोटी राहुल हर्षोटी इज देर राहुल पटेल इज देर आंसर करेक्ट आंसर चाहिए मुझे जिन बच्चों को जिफ्ट के बारे में अभी भी नहीं पता कंफ्यूजन अभी भी रहती कि जिफ्ट होता क्या है क्योंकि बच्चे जिफ्ट अग्री श्वेता वेरी गुड श्वेता अब देखो श्वेता तुमने आंसर किया तुम्हारे आंसर से ऊपर कितने सारे आंसर आ रखे हैं अफाक इज हर छोटी अफाक अंजम श्रुति इज आयुष सायरा के तो आंसर आ रखे अलॉन्ग ब्रो वेरी गुड शिवानी वेरी गुड रॉक्सटा हु करेक्ट आंसर यस

जो प्रॉपरली बना पाते ओवा नहीं बना पाते बट दायरमेंट इज सुटेबल फॉर आफ्टर दी फर्टिलाइजेशन प्रोसेस राइट पूजा एक्सिलेंट वेरी गुड सहाना लेकिन थोड़ा सा लेट आंसर ओके लेट्स है क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन ओके okay, अब्दुल याद रहेगा रॉक स्टार क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन विच वन ऑफ नंबर एंड देन आंसर क्वेश्चन नंबर एंड आंसर यस अंशिका योर वॉज करेक्ट मैंने नहीं बोला इन करेक्ट ओके okay? चलो 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 जल्दी से लेट्स स्टार्ट एक्सिलेंट आंसर्स कृष्णा आई एम वेरी हैप्पी कृष्णा राहुल हर्ष आफाक एक साथ आंसर आया ऑफकोर्स इट इज करेक्ट वेरी गुड सहाना ओ सहाना का आंसर थोड़ा सा गलत हो गया श्रुति एक्सिलेंट करेक्ट ओमकार थोड़ा सा लेट हो गया एब्सोल्यूटली जब आप पहले आंसर देख लेते All of these. Very good. I am so proud of all of you. Very good, Gigi bro. Karuna, excellent. Shivani, very good. Abdul, Princey, everybody good. Now, when we talk about the preparation, of course, कोई late नहीं होता. कभी भी आप शुरू करो preparation. If your aim is to become an MBBS doctor, then आपको क्या रोक रहा है? आप अभी से preparation करो. और अगर अगर आप NCERT के above पढ़ना चाहते हो, वो तो बहुत बढ़िया. That means you have the craze to learn more. ओके, ठीक है लेट्स मूव ऑन टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन क्विकली हाँ ये क्वेश्चन में से मैं पहले बता दू क्वेश्चन आया है क्वेश्चन आया है क्वेश्चन एंड क्वेश्चन इतने सारा दे दिया क्वेश्चन नंबर एंड आंसर क्वेश्चन इज नॉट रिलेटेड टू मिड ब्रेन एट ऑल कोई बात नहीं कृष्णा कभी कभार होता है जल्दी श्रुति वेरी गुड श्रुति श्रुति ने सब श्रुति कहाँ छुप जाती हो बेटा यू गिव वन आंसर एंड देन यू गायब श्रुति सहाना अफाक श्रुति सहाना अफाक वेरी गुड रोहिणी एक्सलेंस आयुष गुड प्लीज अंडरस्टैंड वेन वी टॉक अबाउट विच इज नॉट रिलेटेड टू मिड ब्रेन मतलब मिड ब्रेन से एसोसिएट ही नहीं है वो बच्चों को अगर प्रॉब्लम है कि ये है क्या लेट्स टॉक अबाउट इट वेरी गुड हर्षिता सो द करेक्ट आंसर चेतन जी जी ब्रो ओमकार इज देर एम एम प्रिंसी

ऑफ कोर्स श्वेता करेक्ट आंसर दोगे तो क्यों नहीं मिलेगा सैमुअल भी है सब लोग है लाइन में एंड वाई वुड आई लव टू गिव यू द बुक्स जब मुझे पता है कि साइंस गुरु जी के पास बहुत सारी बुक्स है जो आप सब बच्चों को हेल्प कर सकती है बिकॉज इस टाइम बुक खरीदना इट्स नॉट अ गुड थिंग राइट नाउ मतलब कोई इतनी समझदारी वाला काम नहीं है नॉट दैट ब्रिलियन आइडिया इट्स बेटर टू अर्न इट अर्निंग समथिंग इज वेरी डिफरेंट राइट ऑफकोर्स अंशिका क्यों नहीं जीतोगे राइट right? <laughs> शिवानी एट टाइम्स दे माइट बी हंड्रेड स्टूडेंट्स हंड्रेड स्टूडेंट्स कभी कभी हंड्रेड आ जाते हैं कभी सिक्सटी हो जाते हैं कभी सेवेंटी हो जाते हैं तो क्या आपको नहीं लगता जो बच्चा इतनी मेहनत करके करेक्ट आंसर देता है और इतनी मेहनत करके फटाफट आंसर दे रहा है उसको थोड़ा सा डिजर्विंग होना चाहिए राइट सो बी इन अ वेरी स्पोर्टिंग स्पिरिट इतना ज्यादा नेगेटिव होके मत सोचो यू आर ऑल्सो अदरसे दो तभी तो पढ़ पाओगे रहोगे तो राइट बुक बुक ले लो बुक लेट्स होता क्या है कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना इज अ पार्ट ऑफ ब्रेन अग्रीड इसके फोर कॉनिकुलाय होते हैं देखिए सुपीरियर कॉनिकुलस

फिर नेक्स्ट थ्री फिर आज थ्री सबको मिलेगा राइट हाँ यस कृष्णा ने जो बोला वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि थोड़ा सा नेटवर्क इशू होता है याद रहेगा कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना में क्या होता है रिले सेंटर्स रिफ्लेक्स सेंटर्स कॉर्पस कैलिसियम जो आंसर नहीं था कॉर्पस कैलिसियम वाज नॉट अ पार्ट ऑफ मिड ब्रेन क्यों क्योंकि कम्युनिकेशन सेंटर है इट इज लोकेटेड द थैलेमस अंडर द मिस्फेयर राइट लेफ्ट सेरिब्रल हेमिसफेयर को कनेक्ट करता है ये रहा कॉर्पस कैलिसम ये रहा कॉर्पस कैलिसम याद रहेगा अब नहीं भूलना हो के रिविजन भी हो रहा है यहां पर जबकि आपका सेरिब्रल सर्कस क्या था ये इट इज इन दिड ब्रेन याद रहेगा ओके करुणा ओके अंशिका सेम्यूल ओके वेरी गुड ठीक है रिविजन का टाइम नहीं है पीडीएफ डाउनलोड करो पढ़ो सबसे बेस्ट है। 17 क्वेश्चन प्लीज ये ध्यान से देना विच ऑफ दिनकरेक्ट विच ऑफ दी फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट शिवानी ने आंसर दिया है सैमुअल ने आंसर दिया है अंशिका ने भी आंसर दिया है और इवन श्वेता भी बीच में आंसर दे देती है थोड़ा सा पीछे रह जाती है राइट right? मुझे चार नाम याद हैं बस आज श्रुति कभी कभी आंसर दे देती है वेरी गुड रुचि अब मैं करेक्ट आंसर नहीं बता रही मैं सिर्फ पूछ रही हूं कितने स्टेटमेंट इनकरेक्ट है सब बच्चे अपने आंसर करेक्ट कर रहे हैं वेरी गुड प्रिंसी हर्ष शिवानी ओमकार ओमकार हिमसेल्फ विनर वो तो जीत चुका है ओमकार ऑलरेडी हर्षिता वेरी गुड सी दी करेक्ट आंसर टू ऑफ दर इन करेक्ट कैसे पहली बात जो सेरिब्रल कॉटेक्स होता है सेरिब्रल कॉटेक्स कंटेन्स सेंसरी मोटर एंड इम्पोर्टेंट एसोसिएशन एरिया राइट दैट मीन्स ये वाला इनकरेक्ट है ये वाला इनकरेक्ट है प्योरली मोटर नहीं होता है उसमें सेंसरी भी होते हैं और मोटर भी होते हैं याद रहेगा रहेगापोथैलमस जब हम बात करते हाइपोथेलमस के अंदर एमेक्डेला या फिर हिपोकैम्पस नहीं होता याद रहेगा नहीं रहेगा ये रहा जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा इसमें से देखिए मैं कितने क्वेश्चंस मार्क कर रही हूं इतने सारे क्वेश्चंस आए इस टॉपिक में से अब प्लीज ध्यान से देखिए बुक तब मिलेगी जब आप करेक्ट आंसर दे देंगे करेक्ट आंसर मिल गया तो अगर आपने अपने एड्रेसेस साइंस गुरुजी ऑफिशियल में इंस्टाग्राम में नहीं टेक्स्ट किया तो कहाँ से बुक डिलीवर होगी राइट बुक कैसे डिलीवर होगी ऐसी तो होगी बुक डिलीवर अग्री लेट्स लिम्बिक सिस्टम क्या होता है प्लीज ध्यान से देना लिम्बिक सिस्टम इज दिच इज लोकेटेड एट दी टॉप ऑफ द ब्रेन स्टेम एंड बरीड अंडर दी कॉटेक्स दिख रहा है ये सारा लिंबिक सिस्टम है दिख रहा है आपको लिंबिक सिस्टम में क्या क्या होता है लिंबिक सिस्टम में होता है अमेक डाला हिपो कैंपसमस हाइपो थेलमस बेसल गैंगलिया सिंगुलट गायरस ये याद रहेगा क्वेश्चन आए इसमें से बहुत सारे और इंपॉर्टेंट ये जो अमेक डाला है ना इमोशन वाला सेंटर है हिपो कैंपस मेमरी जनरेट करने वाला है इंफॉर्मेशन रिले करने वाला थैलमस और बैलेंस बॉडी का बैलेंस होमोस्टेसिस मेंटेन करने वाला हाइपो एड्रेस मुझे नहीं है. भेजना है एड्रेस भेजना है साइंस गुरुजी ऑफिशियल में एब्सोल्यूट अच्छा गायत्री व्हेन यू गिव इट इन टेलीग्राम आई थिंक टेलीग्राम में वो जनरल हो जाता है अब और आप जैसे अगर हम मुझे करोगे या फिर साइंस गुरु जी ऑफिशियल में मैसेज करते हो ना वो सिर्फ मैसेज किसको जाता है साइंस गुरु जी ऑफिशियल बट आई थिंक टेलीग्राम में ऑफिशियली सबके पास चला जाएगा वो एड्रेस विच वी डोंट वॉन्ट हम नहीं चाहते कि आपका एड्रेस या फिर आपकी ईमेल आई या फिर आपका कॉन्टैक्ट नंबर पब्लिक हो इसलिए हम करते हैं कि आप डायरेक्ट मैसेज करिए इंस्टाग्राम हैंडल में जो कि है साइंस गुरुजी ऑफिशियल और वहां पर भेज दीजिए सब ठीक है भेज दिया है तो जरूर मिल जाएगी बुक संडे इट वॉज नॉट वर्किंग राइट संडे वॉज एन ऑफ एन हॉलीडे क्वेश्चन ओके अंशिका ओके गायत्री फाइंड द इनकरेक्ट लोकेशन एंड ए सेगमेंट ऑफ कॉकरोच कॉकरोच को नहीं भूलना मैं बार बार बोलती हूँ कॉकरोच के लिए ठीक है जी जी ब्रो सैम्यूएल मेरे को नाम याद है अभी भी मुझे सैम्यूएल अंशिका ओके okay, शिवानी हम इसका ना एक एक इजी वे में कुछ सोल्यूशन निकालेंगे डोंट वारी ठीक है डोंट वारी चलिए हर्ष वेरी गुड हर्ष सैमुअल हर्ष राहुल ना इज देर हर्षिता थोड़ा सा आंसर गलत हो गया मैंने लास्ट टाइम ही बोला था टू सेगमेंट कॉक्रोचेस डायोशियस होते हैं दैट मीन दोनों सेक्सेस होते हैं बस डेवलपमेंट अलग होता है कभी ओवरीज वाला हो जाता है ओवा पहले मेच्योर स्पर्म पहले मेच्योर वेरी गुड शिवानी एक्सीन शिवानी सो so, शिवानी का नाम तो पक्का है राइट नाउ दे आर जनरली प्रेजेंट ऑन दी जो ओवरीज होती हैं दीज ओवरीज आर लाइक सेकेंड टू सिक्स एबिनल सेगमेंट अग्रीथ लेकिन जो स्पर्माथिका होता है पेर ऑफ स्पर्माथिका सिक्स सेगमेंट विच ओपन सिंधु जी ज नाइटर चेंबर क्वेश्चन 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 याद रहेगा यह सही है अब तुम अब इसको डांटो इंटरनेट कनेक्शन को डांटो किसको करो दो। अग्रेट शिवानी अंशिका शिवानी सैम्युअल koi shruti give your best give your best that matters a lot rest you all are winners for me sitting here for one hour and giving the answers is the best thing you can do okay karuna yes yeah, yes omkar let's have the next question quickly mark the incorrect statement please dhyan se dena बिल्कुल प्योर एनसीआर है प्योर एनसीआर टी अंशिका सहाना करुणा ओके okay? जल्दी से सैम्यूअल सैम्यूअल यू आर विनिंग सेम गोज विथ शिवानी ऑल्सो हर छोटी ऑल्सो नाउ यू कैन नॉट लूज दिस फाइट जल्दी से क्वेश्चन नंबर आंसर ध्यान से देना क्वेश्चन नंबर आंसर शिवानी पटेल अपना नाम लिखने से अच्छा आंसर लिख देती आंसर चाहिए मुझे आंसर ओके सॉरी दिस इज बी सी डी प्लीज करेक्ट इट तो दोबारा आंसर दे दो कोई बात नहीं आई विल रिकन्सिडर दी कंसिडर दरी गुड इशान अंशिका गुड हर्षिता गुड जी जी प्रो तो करेक्ट आंसर दे ही रहे उसको तो बुक मिलेगी मिलेगी पक्का मिलेगी वेरी गुड हर्षिता एक्सिलेंट वेरी गुड वेन यू टॉक अबाउट वॉल्यूम ऑफ ब्लड पंप बाई बोथ वेंट्रिकल बोथ नहीं होता है क्या है ईच वेंट्रिकल पर मिनट के हिसाब से चलता है ये क्वेश्चन आया है कार्डियक आउटपुट इक्वल्स टू स्ट्रोक वॉल्यूम दी हार्ट रेट दैट मीनस हार्ट बीट पर मिनट के हिसाब से याद रहेगा विच इज एप्सल्यूटली करेक्ट दैट मीन्स फाइव लीटर अलॉन्ग राइट हर्षिता रुचि कैप्रेडियम करुणा अंशिका श्वेता गुड वेरी गुड श्वेता हर्षिता आंसर दे रही है अब क्या हर्षिता ने जल्दी आंसर दिया एक्सिलेंट टेन ऑफोर्स ये चैप्टर हम कैसे भूल सकते हैं वी कैन नेवर फोगेट अबाउट दिस चैप्टर दिस चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट टेन ऑफोर्स को हम जनरली सी वॉलन या कॉम जेली बोलते हैं इसमें से क्वेश्चन आया हुआ है इसका इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढ के बताओ यह श्वेता मैंने तो बोला ही नहीं आपने आंसर नहीं दिया है श्वेता ने सबसे पहले आंसर दिया देन शिवानी ने दिया देन हर्षिता ने दिया सैम पीछे रह गया राइट अ शिवानी शिवानी दे आंसर। आई थिंक टूडे इज गोन बी अ काइंड ऑफ़ अ गर्ल पावर डे आई गेस सो टेन अ फोर्स जल्दी से आंसर दीजिए टेन अस कॉमनली नोन कॉम जेलीज अरे जी जी ब्रो यू आर प्रो डोंट वरी मत दो आंसर किसी और को आंसर देने दो प्लीज दया करो तुम टीवी देखो जाओ वेरी गुड हार्श होती कहाँ रह जाते हो करेक्ट आंसर देते देते रह जाते हो फिर राइट करुणा ओके राहुल ने दिया शिवानी एक्सलेंट शिवानी शिवानी वेरी गुड बाय लेट्रल नहीं बोलते बाय रेडियल बोलते अगर आपने ध्यान से देखा होगा बाय रेडियल बोलते हैं उसको राइट सो द करेक्ट आंसर इज एट पेयर्स थोड़ी ना होते हैं पेयर्स कहां से होंगे उसमें राइट हर्षिता पेयर्स कैसे होंगे बेटा पेयर्स नॉट पॉसिबल जिनको नहीं पता प्लीज ध्यान से देख लीजिए वो रेशियस प्रीडेटर्स होते हैं ए होते हैं, नहीं होते हैं राइट राइट तृप्ति शिवानी निशांत वेरी गुड सो so, ये सारी चीजें हमने कहा सारी चीजें हमने करी है, हमने करी है चैनल में आज के प्राउड टू पीपल जो कॉम्पिटिशन दे रहे थे कंटिन्यूसली अपार्ट फ्रॉम आयुष सायरा जीजी ब्रो ओमकार इनके अलावा जो बाकी बच्चों को कॉम्पिटिशन दे रहे थे मैंने बहुत बार श्रुति का भी नाम लिया शिवानी वॉज देर राइट शिवानी वॉज देर सैमुअल भी था लेकिन सैमुअल पीछे रह गया थोड़ा सा अंशिका श्वेता शिवानी अंशिका श्वेता शिवानी अंशिका श्वेता एक्सिलेंट करीना सॉरी करुना शिवानी अंशिका श्वेता एक्सींट वेरी गुड एंड इड ऑफ आई एम सो हैपी तीनों की तीनों गर्ल्स है बैक टू बैक टक कर तो दे रहे थे बाकी बच्चे भी कृष्णा का नेट ऊपर नीचे हो रहा था इवन हर्ष ओ टी वॉज ऑल्सो करेक्ट आंसर राइट याद रहेगा याद रहेगा एक्सलेंट सो एवरी थिंग वॉट वी आर डूइंगी आर डूइंग ऑन साइंस गुरु जी चैनल मैं दोबारा बोल रही हूं प्लीज आप अपने अपना नाम कंप्लीट एड्रेस

आप क्या करें जिन बच्चों के पास इंस्टाग्राम हैंडल नहीं है आई वुड टेल देम रिक्वेस्ट देम प्लीज आप टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करके टी डॉट एम ई स्लैश साइंस गुरु जी ऑफिशियल में टेक्स्ट कर दीजिए कि सर वेयर कैन आई सेंड माय डिटेल्स ये तो कर सकते हैं आप वेयर कैन आई सेंड माय डिटेल्स शिवानी अंशिका राइट ये दो कर सकते हैं बच्चे श्वेता यू टू कैन यू डू दैट ओके ओके नाउ आफ्टर दिस थ्री ओ हमारा वन शॉर्ट फोटो है जिसमें हम कैलविन पेंसिल साइकिल पढ़ेंगे सी फोर साइकिल पढ़ेंगे केमी ऑस्मेटिक हाइपोथिस पढ़ेंगे ए फॉर्मेशन पढ़ेंगे और उसके अलावा हम जर्नलाइज प्रिंसिपल्स भी पढ़ेंगे प्रिंसिपल इन द देंस एक्सपेरिमेंट्स भी पढ़ेंगे जिन बच्चों को ये सारा का सारा एक साथ पढ़ना है और एक घंटे में रिवाइज करना है प्लीज आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू खाना वाना साथ में लेकर बैठे And 3 o'clock, I want to see all of you. Okay? So, with this happy note, congratulations to all the girl power three winners. TK. And I'll see you at 3 o'clock. Okay, guys. Take care now.